एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें नाप के लिए राजस्व विभाग द्वारा एसडीएम शीतल बंसल, तहसीलदार परमेश्वर मंडावी अधिकृत है, जो गंज पारा में कब्जे हटवाने और सड़क किनारे के पैड कटवाई का काम करवा रहे हैं। इसके लिए आधे घंटे तक आवागमन बंद किया गया था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा शिकायत में बताया कि नेशनल हाईवे क्रमांक 930 निर्माण के इंजीनियर ने कहा कि रोड से दोनों तरफ 40-40 फीट लिया जाएगा। अब अलग अलग नाप हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से तय मानकों के अनुसार नाप नहीं किया जा रहा है। विद्युत अधिकारी ने बताया कि पोल की शिफ्टिंग के बाद नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग के एसडीओ सहित तहसीलदार व विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर तैनात थे। नाप जोक सहित सड़क निर्माण पर किसी ने भी मीडिया के सामने आकर बोलने से इनकार कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग 930 का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसमें प्रारंभिक चरण में अभी सड़क का चौड़ीकरण के लिए सीमांकन कार्य किया जा रहा है। और लेकिन यहाँ पर राजस्व विभाग एवं यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन है मिलीभगत के करके यहाँ पर जो 80 फीट जो सीमांकन जो किया जाना है उसको कहीं 72 फीट कहीं 75 फीट करके मिलीभगत करके उसमें इस रोग जो सुनिश्चित रोग बनना चाहिए उसमें पलीता लगा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि अदानी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत इनका ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत इस रोड का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन इस पर पलीता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। निश्चित ही केंद्र का जो पैसा यहाँ पर विकास कार्य के लिए आता है, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं यहाँ के जो कर्मचारीगण हैं भ्रष्टाचार करके निश्चित रूप से गुणवत्ता ही निर्माण कार्य कराने में विश्वास रखती है। देखिए एनएच वाले उसको मापदंड किए हैं, एनएच वाले क्या है, सेंटर से 10.8 मीटर तक उनका काम चला है, उसके बाद 10.8 मीटर के बाद वो जो जगह है उसमें पीएचई की नाली बनना है और हमारी पोल शिफ्टिंग होना है। और इन्हें क्या है, जितने जल्दी वो लोग करेंगे उतने जल्दी हमारे काम हो जाएगा, जितने जल्दी वो लोग जगह उपलब्ध करा देंगे उतने जल्दी वो पोल शिफ्टिंग का काम होगा। 10.8 मीटर तो लोग नाप के दिए हैं ना, एनएच वाले नाप के दिए हैं, नापने के बाद उसको हमारा उनका जो कॉन्ट्रेक्टर है पोल शिफ्टिंग करने का वो काम कर रहा है। अब ये तो उनके एस्टिमेट में होगा, वो हमारे पास एस्टिमेट बताया नहीं, हमको जो नाप के दे रहा है मार्किंग करके उसी में उनका भी टीम रहता है, वो एक संयुक्त टीम रहता है, उसी संयुक्त टीम में मार्किंग करके देते हैं, वहाँ की जो पोल इरेक्शन के काम कर रहा है। नहीं, हमको वो लेटर दिए हैं कि पोल जितना पोल शिफ्ट हुआ है उसका हम लोग एस्टिमेट बना के दिए हैं, उसका सुपरविजन चार्ज वो लोग पेमेंट किए हैं एनएच वाले, और ये लोग एनएच वाले ही टेंडर किए हैं, उन्हीं के कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं।